हेलो दोस्तों, आप सभी तो नोबेल पुरस्कार से जरूर वाकिफ होंगे। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार जिसे विश्व का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जिसे महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में तथा सम्मान में दिया जाता है, जो एक महान केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर और मंझे हुए बिजनेसमैन थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्फ्रेड बी नोबेल वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और जिन्हें लोग मौत का व्यापारी या मौत का सौदागर भी कहते थे। तो आज हम अल्फ्रेड बी नोबेल के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें, डायनामाइट तक के सफर और नोबेल पुरस्कार के पीछे की कहानी को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर सन 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। अल्फ्रेड के पिता इमैनुअल नोबेल इंजीनियर तथा आविष्कारक थे, पर आर्थिक स्थिति को देखे बगैर प्रोजेक्ट्स को हाथ में ले लेते थे। यही वजह थी कि इनके परिवार की हालत खस्ता थी और इमैनुअल कर्जदारों से भी परेशान थे। इसलिए सन 1837 में अपने परिवार को हौसला देकर उद्योग व व्यापार के लिए वे रूस चले गए। यहाँ वो भूमिगत सुरंगें और सेना के लिए हथियार व उपकरण बनाते थे। 5 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद पिता इमैनुअल ने पर्याप्त संसाधन जुटा लिए और सन 1842 में अपने परिवार को अपने पास बुला लिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रहने लगे। अल्फ्रेड की रुचि साहित्य में थी। पिता इमैनुअल ने अल्फ्रेड को सहमत किया कि वह लेखन का चस्का छोड़ दें और दुनिया घूमे, नई बातें सीखें जो आगे व्यापार में उनके काम आए। अपनी 2 साल की यात्रा के दौरान अल्फ्रेड ने पेरिस के एक निजी शोध कंपनी में काम किया। यहाँ उनकी मुलाकात इटालियन केमिस्ट स्कानियो सोब्रेरो से हुई। सोब्रेरो ने अति विस्फोटक तरल नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था, जो गन पाउडर की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये बहुत अस्थिर था और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना या नियंत्रित करना संभव नहीं था। यहीं से अल्फ्रेड की नाइट्रोग्लिसरीन में हुई और वापस स्वीडन लौटने के बाद अल्फ्रेड ने अपना पूरा ध्यान नाइट्रोग्लिसरीन को एक नियंत्रित विस्फोटक के रूप में विकसित करने में लगा दिया। दुर्भाग्य से उनका यह परीक्षण असफल रहा और उनके लैब में विस्फोट हो गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें उनका छोटा भाई एमिल भी शामिल था। इस घटना के बाद स्वीडिश सरकार ने स्टॉकहोम के सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रयोग पर प्रतिबंध दिया। लेकिन अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी तथा स्टॉकहोम के बाहर लेक मलेरिन में एक नाव में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। अंततः साल 1866 में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को स्थिर करने तथा उसे प्रयोग लायक बनाने का तरीका खोज निकाला। अपने एक प्रयोग में उन्होंने पाया कि महीन रेत का एक प्रकार, जिसे किशलगर कहा जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कर रहा है तथा यह मिश्रण नाइट्रोग्लिसरीन की तुलना में बहुत स्थिर है। इस मिश्रण का नाम उन्होंने डायनामाइट रखा तथा 1 वर्ष बाद सन 1867 में इसका पेटेंट अपने नाम करवा लिया। इस आविष्कार के फल स्वरूप नाइट्रोग्लिसरीन को पेस्ट के रूप में परिवर्तित कर उसकी रॉड बना पाना संभव हो गया। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने डेटोनेटर का भी आविष्कार किया, जिसकी मदद से सावधानी पूर्वक डायनामाइट का प्रयोग किया जा सकता था। डायनामाइट के आविष्कार के बाद विभिन्न क्षेत्रों, सुरंग निर्माण, पुल निर्माण, सड़क एवं रेल मार्गों के निर्माण आदि में इसकी मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप अल्फ्रेड ने 20 देशों में लगभग 90 फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। साल 1896 में उनकी मृत्यु तक कुल 665 आविष्कारों के पेटेंट उनके नाम हो चुके थे। इन सब के चलते उनकी संपत्ति में अथाह वृद्धि हुई, किंतु उनके मुख्य आविष्कार डायनामाइट के चलते निर्माण कार्यों में कई हादसे भी होते रहे। इसके अतिरिक्त युद्धों में भी विस्फोटक के रूप में डायनामाइट का प्रयोग होने लगा। हालांकि अल्फ्रेड की अपने आविष्कार के पीछे सकारात्मक सोच ही थी, किंतु लोग डायनामाइट से हुए हादसों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराने लगे तथा उन्हें मौत का सौदागर नाम दिया गया। लोगों के उनके प्रति इस रुख से वे काफी आहत हुए तथा उन्होंने तय किया कि वे समाज कल्याण के लिए ऐसा कार्य करेंगे जिससे भविष्य में उनकी पहचान मौत के सौदागर के रूप में ना हो। इसी के चलते उन्होंने अपनी वसीयत में
अपने संपूर्ण संपत्ति से एक ट्रस्ट स्थापित करने का फैसला किया तथा यह घोषणा की कि उनकी संपत्ति का प्रयोग भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति तथा साहित्य के क्षेत्रों में मानवता के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार देने में किया जाए। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली में हुई। तब से प्रति वर्ष उनकी पुण्यतिथि को यह पुरस्कार उक्त क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। इसके बाद सन 1969 में अर्थशास्त्र को भी नोबेल पुरस्कार से जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है।